टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ थाना प्रभारी अमित साहू द्वारा 7 से 8 तारीख की दरमियानी रात में पत्रकार सालिम खान पर मुकदमा कायम कर दिया गया है, जिसको लेकर पत्रकार साथियों द्वारा विरोध किया गया और मामले की जांच एवं उचित कार्यवाही की मांग की है। बताया गया कि सालिम खान जब टीकमगढ़ से बलदेवगढ़ जा रहे थे, तब उन्हें भूसे से भरी पिकअप दिखाई दी और उसका कवरेज करने लगे, तो वाहन चालक ने और उसके साथियों के द्वारा धक्का मुक्की भी की गई। उसके सीने में चोट आ गई है। इसके बाद अपने घर चला गया और जब वह सुबह अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचा, तो उसे जानकारी हुई कि उसके खिलाफ रात्रि में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और यह उन्हीं ने कराया है जो कि भूसे का परिवहन कर रहे थे। पत्रकार साथियों ने मांग की है कि पत्रकार पर मामला दर्ज करने से पहले जांच जरूर करना चाहिए। इसके बाद मामला दर्ज करना था, लेकिन आनन फानन में मामला दर्ज कर दिया गया है इसके पूर्व अमित साहू द्वारा पलेरा थाने में एक पत्रकार के साथ मारपीट की घटना अंजाम दिया था, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और उसके बाद फिर एक पत्रकार पर मामला दर्ज कर दिया गया है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। पत्रकार के साथ क्या घटना हुई, ऊपर पुलिस द्वारा जो तुरंत कार्रवाई की गई, क्या उस पर आवेदन दिया गया, तो क्या हुआ? 7-8 दिसंबर की दरमियानी रात की घटना है। हमारा पत्रकार साथी सालिम खान बल्लीगढ़ का टीकमगढ़ से बल्लीगढ़ जा रहा था। रास्ते में हार पुलिया के पास उसको एक पिकअप दिखी जिसमें भूसा भरा हुआ था, तो वो वहाँ कवरेज के लिए रुका और उसकी फोटो खींचने लगा। फोटो खींचते देख करके उसमें पिकअप में जो सवार थे तीन युवक, वो नीचे उतरे, उसके साथ धक्का मुक्की की, उसके सीने में चोट भी आई है और वहाँ से भाग गए। ये जब सुबह वहाँ पहुँचा है थाने में, तो इसको पता चलता है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है रात में। तो जो है जो थाना प्रभारी बलदेवगढ़ हैं, उन्होंने ये जल्दबाजी में अचानक एक पत्रकार साथी के ऊपर प्रकरण कायम किया है, इसका हम विरोध करते हैं और इस मामले की जांच करने के लिए हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक जी के नाम ज्ञापन दिया है। सामने आया इसमें क्या ठीक है, उन्होंने आज ज्ञापन दिया है, जो बातें कही कि एक तो कोई ऐसा मामला आता है तो उसकी जांच की जाए और उनका सालिम का जो मामला है उसके लिए हम जांच करवाते हैं। एक सप्ताह के अंदर अगर जो भी वास्तविक स्थिति है उसको आपको बताया जाएगा। सर, एक तरफ प्रदेश का गृह मंत्री बोलता है कि पत्रकारों के ऊपर वरिष्ठ अधिकारी ही FIR करेंगे, लेकिन यहां देखा गया कि SI द्वारा डायरेक्ट बगैर जाँच किए FIR कर दी गई। सर, इसी चीज की तो जाँच होगी। क्या नाम है आपका? सालिम खान जी। बताएं, जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है SP कार्यालय में जी, क्या मामला है, पूरी घटना क्या है? सर, 7 और 8 की दरमियानी रात मैं टीकमगढ़ से अपने घर को जा रहा था, रास्ते में मुझे भूसे से भरा हुआ एक वाहन खड़ा मिला। मैंने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की और मैंने थाने में सूचना भी दी साथ में कि यहाँ पर एक वाहन खड़ा हुआ है, और मैंने उसकी फ़ोटो खींचते समय में मेरी उससे मतलब जो साथ में 4-6 लोग थे, क्योंकि मैं अकेला था, तो उन्होंने मेरे साथ सीधा झपटी मतलब करने लगे और उनसे एक यहाँ पे मेरे से मतलब कल मारा था, जिससे मुझे चोट भी आई है। और उसके बाद उन लोगों ने फिर जब मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ और तुम्हारे खिलाफ मैं FIR करूँगा, तो वो मेरे हाथ पैर जोड़ने लगे और बोलने लगे कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं पहचान पाई ये वो, और हम कुछ मत करना, हम कुछ नहीं करेंगे ये वो। तो हमने कहा ठीक है भैया, जब ऐसी बात कह रहे हो तो हम निकल आए। हम भी अकेले थे और 4-5 लोग थे, अगर कुछ और भी करते तो डर के मारे हमने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, चलो आप लोग, हम घर निकल आए। घर आके हम अपने घर पहुँचे, हमें अचानक से सीने में दर्द होने लगा और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था, क्योंकि दिन भर से मैं कवरेज कर रहा था तो मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो बस मैं सो गया। कुछ देर बाद जैसे मेरा रात को 2 बजे के दरमियान फ़ोन आया कि 12 बजे घर पे पुलिस आई है और एक पुलिस वाले हैं उसमें और बाकी 4 लोग अन्य हैं जो लट्ठे लिए हुए थे, और मेरे फार्म हाउस पर गए जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है और वहाँ जाके गाड़ी की फ़ोटो खींचने लगे। गाड़ी की फ़ोटो खींची और वहाँ पर बोला कि 10,000 रुपये की मांग की है इनसे, और पत्रकार कहाँ हैं वो, उनको बुलाओ, उनको वो सालिम को, और हम उनको कार्रवाई होनी है ये वो। तो वहाँ मैं था नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता, मैं तो घर पे रहता हूँ, वो फार्म हाउस है, वहाँ मम्मी पापा रहते हैं, तो वहाँ पे ये लोग गए और ऐसी बातें की। और रात में फिर जब मेरा फ़ोन चालू, मेरे फ़ोन आया, मैंने थाने भी फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि यार तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम लोग गए वहाँ पे, ये सब चीज़ें हो गई। और फिर मैं सुबह गया, घटना की जानकारी बताई मैंने, तो उन्होंने बताया कि तुम आप कुछ मत करो, तुम्हारे ऊपर FIR हो चुकी है। ये किसने कहा आपसे? स्टाफ ने ही कहा वहाँ से, और उनने मेरी FIR भी मतलब बताया कि भैया FIR हो चुकी है, तुम 3 धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो जितनी जल्दी हो निकल लो यहाँ से, अब तुम अपना पक्ष रखने लायक नहीं रह गए हो, आरोपी हो। ठीक है, हमने कहा ठीक है आरोपी हैं, तो हम सीधा यहाँ साहब के पास आए और पूरा
सुनाया और मैं मुझे उन्होंने फर्जी पत्रकार भी कही, किसी कई पत्रकारों ने मुझे फर्जी पत्रकार बताया है। तो मैं 2018 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पुलिस वाला राष्ट्रीय समाचार पत्र का, पुलिस वाला वेब न्यूज, खबर फास्ट, नेशनल टीवी, इन सभी चैनलों में मैं काम करता हूँ। और पुलिस के मतलब पुलिस वाला चैनल में पुलिस वाला काम करने के बाद मुझे बहुत घृणा हो रही है कि मतलब मेरे साथ पुलिस ने ही ऐसा किया। क्योंकि पुलिस के बारे में हम लोग पुलिस वाला राष्ट्रीय समाचार पत्र के बारे में आप लोग पता करें तो पुलिस के हमेशा पुलिस के बारे में अच्छा लिखते हैं, मैगजीन बनाते हैं, हर महीने पुलिस वालों की अच्छी अच्छी क्राइम स्टोरी जो उनने काम किए उनके निकालते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।